आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। गुजरी चौक बस स्टैंड बेहर में 2 साल पुराना बरगद का पेड़ रातों रात काट दिया गया। न किसी ने नगर परिषद बेहर को जानकारी दी। इस प्रकार के कार्य से जहां एक ओर सैकड़ों पशु पक्षियों का बसेरा हुआ करता था, वहीं दूसरी ओर हिंदू धार्मिक त्योहार वट सावित्री में महिलाएं पूजा भी करने आती थीं। इतने हरे भरे मोटे पेड़ को काटने में लगभग 2 दिनों का समय लगा होगा। ये पेड़ बीच गुजरी चौक में है और उसके बाद भी अगर नगर परिषद कर्मचारी अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है तो फिर इन्हें नींद से कैसे जगाया जाए। इस संबंध में नगर परिषद बेहर सीएमओ कुमरे जी ने बताया कि हमारे द्वारा किसी भी पेड़ को काटने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। हम देखते हैं और जो भी व्यक्ति है उस पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिस वाहन ट्रैक्टर से लकड़ी ढुलाई की गई है उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। इसी संबंध में अनुविभागीय अधिकारी गुरु प्रसाद और तहसीलदार मैडम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। यदि पेड़ को दिन में काटा गया है और मात्र 500 मीटर दूर नगर परिषद है तो जानकारी कैसे नहीं हुई, और अगर रात में काटा गया तो रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है। यही सब बातें सोचनीय प्रश्न बनकर रह गई हैं।